एवन कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक हुए भले चंगे होंगे। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ बैड न्यूज़ मूवी का जो कि आज थिएटर्स में लग चुकी है 19 जुलाई। सो भाई बेसिकली ये मूवी आप कह सकते हो एक तरीके से सीक्वल टाइप है गुड न्यूज़ का, जो कि अक्षय कुमार स्टारर मूवी थी। भाई उसका जो कॉन्सेप्ट था उससे थोड़ा मिलता जुलता इसका भी कॉन्सेप्ट है, ये हम ट्रेलर में देख चुके हैं। हालांकि मूवी के डायरेक्टर अलग अलग है, वो राज मेहता की मूवी थी और ये अनंत तिवारी की मूवी है। अनंत तिवारी आप जानते नहीं होंगे, लेकिन इससे पहले इनकी कुछ मूवीज आ चुकी है, जैसे आप मजामा देख सकते हो, इतनी खास थी नहीं, बट ये मूवी यार थोड़ी बिग मूवी है। तो बात करते हैं मूवी के बारे में। मूवी की स्टार कास्ट आपने देख ली है, विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी एंड एमए विर्क। एमए विर्क एक पंजाबी कैरेक्टर है। तो भाई ये एक कॉमन पॉइंट मैंने नोटिस किया है, इससे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट था आई थिंक गुड न्यूज़ कह रहे हो आप, उसमें भी एक पंजाबी कैरेक्टर था दिलजीत दोसांझ। अभी बैड न्यूज़ आई है, इसमें भी एक पंजाबी कैरेक्टर है, तो पंजाबी से कुछ खास लगाव हो सकता है इस मूवी मेकर्स का। चलो ये तो जोक्स पार्ट। अब भाई मूवी की बात करते हैं। मूवी में एक लव ट्रायंगल अभी दिखाया गया है जो इन तीनों के बीच चलता रहता है, एमए विर्क, विक्की कौशल एंड तृप्ति डिमरी। तो भाई मेन कैरेक्टर जो है, अगर आप मूवी देखोगे तो आपको भी दिखेगा जो मेन लीड में है वही विक्की कौशल ही है। पूरी मूवी का क्रेडिट आप उनको दे सकते हो, उनके एक्टिंग स्किल्स को दे सकते हो। बंदा इमोशनली एंड कॉमेडी दोनों में परफेक्ट जिस रहा है। एमए विर्क आप कह सकते हो वो हाफ ऑफ द मूवी के बाद आते हैं, उनकी एंट्री तभी होती है, आई थिंक 45 मिनट के बाद उनका एंट्री होती है मूवी में। इससे पहले जो ट्रायंगल होता है वो इन दोनों के बीच चलता रहता है, तृप्ति एंड विक्की कौशल। अब भाई ये इनकी बॉन्डिंग काफ़ी, केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी दिख रही है मूवी में, और मूवी एक कॉमेडी मूवी है। इसकी स्टोरी आपको पता है कि एक बच्चे के ऊपर ये पूरी मूवी आधारित होती है, कि ये बच्चा है किसका, ये विक्की का या फिर एम विक का है, क्योंकि सिम्टम्स दोनों के होते हैं और ट्विंस बच्चे होते हैं। तो भाई ये मूवी आप इन्जॉय कर सकते हो थिएटर्स में, आप जाके इसको इजीली इन्जॉय कर सकते हो। अब मेकर्स ने जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी तो जो डिपार्टमेंट होता है उसने इसके 27 सेकंड की मूवी कट कर दी गई है सेंसर बोर्ड ने, वो इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा एज मूवी ना लगे, 18+ में ना जाए, इसलिए सीन कट कर दिए गए हैं। अभी OTT पे आएंगे या नहीं आएंगे वो मुझे पता नहीं है, वो आप देखोगे तब पता लगेगा। बाकी ऑल ओवर मूवी का रिव्यू यही है भाई कि एक बार आप जाके देखो आपको अच्छा लगेगा। मुझे भी स्टार्टिंग में ये लगा था कि हो सकता है ये मूवी गुड न्यूज़ टाइप हो, उसी की रीमेक हो, स्टोरी लाइन वही हो, कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा सेम है बट वो भी काफ़ी अलग है एक तरीके से देखा जाए तो मूवी आप इन्जॉय करोगे थिएटर्स में। एक चीज़ डिसअपॉइंट ये कर सकती है कि एक गाना जो इसको रीमेक किया गया है इस मूवी में, जो कि पहले के टाइम पे शाहरुख खान का गाना था, मेरे महबूब मेरे सनम, तो भाई हाँ वो आपको डिसअपॉइंट करेगा। बाकी ऑल ओवर द सॉन्ग काफ़ी इन्जॉयफुल है, उसके आप इन्जॉय करने वाले हो। तो भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आपको जाके ये मूवी देखनी चाहिए, देखने लायक है। तो हाँ, और रही मूवी के कलेक्शन की बात, तो पहले दिन अप्रोक्स ये मूवी कलेक्शन कर सकती है भाई 9 से 15 करोड़ के बीच कर सकती है, इतना खर्च है इस मूवी में। बाकी इसके कलेक्शन के ऊपर वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, रिव्यू की वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इसके लिए भी कमेंट में जरूर बताना, मैं जल्दी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन भी लेके आऊँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में।